ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य और सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में सोमवार को रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा नवनिर्मित स्वामी विवेकानंद सरोवर बूढ़ा तालाब पथ का लोकार्पण किया गया। वही इसके निर्माण से अब स्कूली छात्राओं और छात्रों को तथा नागरिकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कम दूरी का सुरक्षित और सुगम पथ मिल गया है। रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर ग्रामीण के विधायक मोतीलाल साहू, रायपुर नगर निगम के आयुक्त अविनाश मिश्रा और नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे भी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोकार्पण कार्यक्रम में कहा कि रायपुर स्मार्ट सिटी और छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय जन सुविधाओं को आम नागरिकों तक तीव्र गति से पहुंचाने संकल्पित भाव से अग्रसर है। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और सांस्कृतिक मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कार्यक्रम में कहा कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप केवल एक माह के भीतर ही इस मार्ग का निर्माण कर शहरवासियों को लोकार्पित किया जा रहा है। उन्होंने इसके लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की सराहना की। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे बिलासपुर रायपुर के अन्य नेतागण लगातार इस दिशा में प्रयत्नरत थे और अंततः हमने ये निर्णय किया कि इसे उपयोगी बनाएंगे, सुविधाजनक बनाएंगे, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो, इसके लिए इस काम को जल्द से जल्द करेंगे और आज वो आप सबकी मांग पूरी हुई है। मैं आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने बनवाया, ऐसे नगर निगम के कमिश्नर मिश्रा जी उपस्थित हैं, जिन्होंने एक महीने की समय सीमा में इस मार्ग को खुलवाया है और ये मार्ग खाली दानी स्कूल, डिग्री गर्ल्स कॉलेज, यहाँ पर रहने वाली 2000 हॉस्टल की बच्चियां, ऐसी 10,000 बच्चों के लिए ये मोदी जी के अमृत काल में ये अमृत साबित होगा। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।